जय झूले, जोर से बोलो जय झूले। आयो लाल सभी छो, आयो लाल सभी छो झूले। सिंधी पंचायत विज्ञान नगर द्वारा आयोजित 40वां महोत्सव जो हमारे धार्मिक आस्था का पर्व है, हम 40 दिन तक आराध्य देवता झूलेलाल की पूजा करते हैं और झूलेलाल जी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। सिंधी समाज बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक और अपने धर्म के प्रति अटूट रूप से रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान, पहले भारत एक था, उस समय सिंध प्रांत के अंदर मीर शाह बादशाह के द्वारा वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। हिंदुओं के धर्म को परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जा रहा था लेकिन सिंधी समाज हमेशा अपने धर्म और आध्यात्म के प्रति हमेशा समर्पित भाव से रहा है। उस समय के सारे अत्याचार सहन करने के बाद भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने 40 दिन तक अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कठोर तपस्या की और इनकी कठोर तपस्या को देखते हुए वरुण देवता जी ने वरदान दिया कि भगवान झूलेलाल आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह विश्वास है, यह आस्था है, यह समर्पण है। जब आस्था होती है, समर्पण होती है, सेवा का भाव होता है तो भगवान भी अवतार रूप में लेते हैं। और सिंधी समाज आज भी उसी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी आध्यात्मिक धर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए सिंधी समाज को पुरुषार्थ समाज इसलिए कहते हैं, वो पुरुषार्थ के द्वारा, समर्पण और सेवा के द्वारा समाज में अपना स्थान बनाता है। और इसीलिए जहां भी सेवा का काम हो, जहां मानव सेवा का धर्म हो, मानव सेवा उनके लिए सबसे पहली सेवा होती है। चाहे बीमार लोगों का इलाज कराना हो, भूखे को भोजन कराना हो, प्यासे को प्यास बुझाना हो, राहगीर के ठहरने के लिए धर्मशाला हो, शिक्षा और संस्कृति के लिए विद्यालय हो,
हर मानव कल्याण और सामाजिक सेवा के अंदर सिंधी समाज हमेशा आगे रहता है। और ये समय हमारे 40 दिन तक तप तपस्या समर्पण आध्यात्मिक और धर्म का समय है। हम तन शुद्धि मन शुद्धि आत्मा शुद्धि का समय है और इस समय हम सात्विक जीवन जीकर अपने तन आत्मा शुद्धि से भगवान को प्राप्ति करें, ये 40वां उसी का पर्व है। इसीलिए 40वां महोत्सव पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान झूलेलाल की कृपा हम पर बनी रहेगी, हम इसी तरीके से पुरुषार्थ से हमारी धर्म संस्कृति आस्था को समाज के हर वर्ग तक समाज के हर क्षेत्र तक फैले। भारतीय संस्कृति धर्म आध्यात्मिक विश्व के अंदर नेतृत्व करें और भगवान झूलेलाल हमें इसी तरीके से मानव सेवा के लिए प्रेरणा देता रहे। आप सभी को 40वां महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।